हेलो गाइस, तो क्या आप लोग भी अपने फोटो में इस टाइप से कलरफुल स्काई ऐड करना चाहते हो? आप लोग अपने नॉर्मल से फोटो में जस्ट वन क्लिक में इस टाइप का स्काई ऐड कर सकते हो। कैसे करना है उसको इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। इस टाइप का जो फोटो है अभी के टाइम पर इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, तो आप लोग भी अपना जो फोटो उसको इस टाइप से एडिट कर सकते हो और अपना जो फोटो है उसको वायरल करा सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फोटो एडिट करने के लिए हम लोग फोटोलिप एप्लीकेशन का यूज करने वाले हैं। ये वाला एप्लीकेशन आप लोग को प्ले स्टोर से फ्री में मिल जाएगा, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, पूरा AI से जनरेट करके आप लोगों को अपने जो फोटो है उसको एडिट करके दे देता है। बहुत सारा इसमें ऑप्शंस भी है जिसको आप लोग एक्सप्लोर करके अपना जो फोटो उसको नेक्स्ट लेवल का एडिट कर सकते हो। हम लोग सिंपली यहाँ पर AI ट्रांसफॉर्म का जो ऑप्शन शो हो रहा है इसको हम लोग को यूज करना है। यहाँ से अलाउ एक्सेस कर देना, फिर आप लोग जो भी फोटो पर इस टाइप का अपना जो स्काई है उसको ऐड करना चाहते हो उस वाली फोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। यहाँ से मैं ये वाली फ़ोटो ले लेता हूँ, मेरे पास बहुत सारा फ़ोटो है। हम लोगों ने ये वाला जो फ़ोटो है उसको सेलेक्ट कर लिया, देख सकते हो काफ़ी नॉर्मल सा फ़ोटो है। अब यहाँ से ये जो ब्रश है, नीचे में ब्रश सेलेक्टेड है, इसको आप लोग को बढ़ा देना है। अब आप लोग का जो फ़ोटो है उसमें जितना भी स्काई है उसको यहाँ पर पेंट कर देना। तो यहाँ से इस टाइप से पेंट कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ। आप लोग को भी सेम ऐसे ही अपना जो फ़ोटो है उसका स्काई को पेंट कर देना है। और यहाँ से मैं अपना ऑब्जेक्ट है उसको भी सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको यहाँ से हम लोग रिमूव भी करने वाले हैं। ओके, अब यहाँ से ये नीचे में रीफाइन का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर एक बार टैप कर दो। ये इरेजर है, ओके, तो इसको पकड़कर आप लोगों को अपना जो ऑब्जेक्ट है, अपना जो फ़ोटो है उसको पेंट करना है, जिससे ये जो हम लोग का फ़ोटो है वो अनसेलेक्ट हो जाए। देख सकते हो थोड़ा सा इस टाइप से मार्जिन छोड़ सकते हो अगर आप लोग चाहते हो, इसको छोटा कर लेना थोड़ा सा। फिर इस टाइप से आप लोग अपना जो फ़ोटो है उसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना। जितना अच्छा से आप लोग पेंट करोगे आप लोग का जो स्काई है उतना ही अच्छा दिखेगा, तो आप लोग अच्छे से ध्यान देकर कर लेना जैसा मैं कर रहा हूँ। आप लोग को भी सेम इसी टाइप से पेंट करते जाना है। ओके, हो गया हम लोग का यहाँ से थोड़ा सा। हाँ ओके, अब यहाँ ऊपर में जो एरो का ऑप्शन दिख रहा है इस पर एक बार टैप कर देना। टैप कर लेने के बाद एक डिब्बा आ जाएगा, इसमें आप लोग को अपना जो स्काई है उसका प्रॉम्प्ट टाइप करना है। प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, आप लोग जैसे सनलाइट लेना चाहते हो, ये वाला जो फोटो है सनलाइट में काफ़ी अच्छा लगेगा, मतलब जो इवनिंग टाइम का होता है उस टाइप का जो फोटो है उसमें अच्छा लगेगा, उस टाइप का जो स्काई है उसमें काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ऐसे हम लोग ले लेते हैं इवनिंग, इवनिंग सनसेट ले लेते हैं हम लोग, सनसेट डार्क रेड, डार्क रेड कलर स्काई, कलर स्काई। ओके, अब यहाँ से एरो दिख रहा है इस पर एक बार टैप कर दो। उसके बाद हम लोग का जो प्रॉम्प्ट है यहाँ वर्क करेगा और नीचे में आप लोग को तीन फोटो जनरेट करके दे देगा, तो हम लोग को थोड़ा सा वेट कर लेना है, छोटा कर लेते हैं। देख सकते हो एक ये वाला फ़ोटो है, एक ये वाला फ़ोटो है और एक ये वाला फ़ोटो है। आप लोग को जो भी पसंद आता है उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ ऊपर में एरो दिख रहा है राइट का, उस पर टैप करोगे फिर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आप लोग ये कर सकते हो। और अगर आप लोग को ये तीनों फ़ोटो में से कोई भी पसंद नहीं आता, यहाँ नीचे में प्लस का एक और आइकॉन दिख रहा है इस पर एक बार टैप करो, तीन फ़ोटो फिर से जनरेट करके दे देगा। यहाँ से भी आप लोग को पसंद आता है तो इसको डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है, फिर से प्लस पर टैप करके आप लोग फिर से यहाँ से जनरेट करा सकते हो। देख सकते हो ये भी अच्छा लग रहा है, बट हम लोग को ये वाला सबसे अच्छा लग रहा है, सॉरी ये वाला है। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, अब हम लोग को अपना जो फ़ोटो है उसको सेव करना है। यहाँ ऊपर में सेव दिख रहा है, इस पर एक बार टैप कर दो, फ़ोटो सेव हो जाएगा। यहाँ से बैक करेंगे, फिर से होम में जाएंगे, अब यहाँ से उसी फ़ोटो को फिर से यहाँ पर इम्पोर्ट कर दो, क्योंकि हम लोग को उसका क्वालिटी या थोड़ा सा इंक्रीज करना है। उसके लिए यहाँ से एडिट फ़ोटो दिख रहा है इस पर एक बार टैप करो, उसके बाद ये वाला फ़ोटो है उसको यहाँ पर इम्पोर्ट कर दो। अब इधर स्क्रॉल करके लास्ट में आ जाओ, फिर यहाँ इन्हेंस का एक ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल जाएगा, इस पर एक बार टैप कर दो। टैप कर लेने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा, फिर हम लोग का जो फ़ोटो है उसका जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ से इतना ज़्यादा बेकार और पिक्सलेट फोटो था, ये काफ़ी अच्छा हो गया। ओके, अब यहाँ से आफ्टर में रख कर इसको राइट क्लिक कर देते हैं। अगर आप लोग और इसका जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज करना चाहते हो तो आप लोग इसको कर सकते हो। आप लोग का फ़ोटो काफ़ी अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ से नहीं कर रहा, यहाँ से आप सेव पर टैप करेंगे,
अब यहाँ से बैक करके आप लोग को क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। आप लोग के मोबाइल में होगा ही, या फिर कोई अदर ब्राउजर यूज करते हो तो उसको भी यहाँ पर ओपन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को सर्च करना है KREA। फर्स्ट पे जो वेबसाइट आएगा आप लोग को इस पर टैप करना है। टैप कर लेने के बाद ये वाला जो वेबसाइट है देख सकते हो ऑफिशियल है, आप लोग को इस पर एक बार टैप कर देना। टैप कर लेने के बाद यहाँ से एक इंटरफेस शो होगा जिसमें हम लोग अपना जो फोटो है उसको इन्हेंस करेंगे। हम लोग का जो फोटो है नॉर्मल सा फोटो है उसको और अच्छे से इन्हेंस करने के लिए और बहुत तगड़ा वाला शार्पन ऐड करने के लिए हम लोग इस वाली वेबसाइट का यूज करेंगे। और इस वाली वेबसाइट से आप लोग अपना जो फोटो उसको 4K 8K या फिर उससे भी ज़्यादा क्वालिटी में इंक्रीज कर सकते हो। ओके, इस टाइप से इंटरफेस आएगा। बट आप लोग को इसको यूज करने के लिए एक अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट कैसे बनाते हैं, यहाँ ऊपर में साइनअप का जो ऑप्शन शो हो रहा है इस पर एक बार टैप कर दो। टैप करोगे यहाँ से आप लोग अपने जो ईमेल है उसको इंटर कर सकते हो यहाँ पर, या फिर कंटिन्यू विथ गूगल कर सकते हो। फिर आप लोग अपना जो ईमेल है वो उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना, फिर आप लोग का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से मैं जल्दी से उसको कर लेता हूँ। ओके, हम लोग का जो अकाउंट है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पर लोगो शो हो रहा है। और अब इतना हो जाने के बाद आप लोग को यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है अब स्केल एंड इन्हेंस का, इस पर एक बार टैप कर दो। टैप करने के बाद ये वाला इंटरफेस आप लोग के सामने शो हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग को अपना जो फोटो है उसको इम्पोर्ट करना है। इम्पोर्ट कहाँ से करना है, ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप का, इस पर एक बार टैप करो। टैप करने के बाद आप लोग का गैलरी यहाँ से ओपन हो जाएगा। यहाँ से ये वाला जो है रिसेंट में जो फोटो रहेगा उसको आप लोग को ऐड करना है, जो हम लोगों ने अभी क्वालिटी इन्हेंस किया था उसी चीज़ को आप लोग को यहाँ पर इम्पोर्ट कर देना है। और इम्पोर्ट काफ़ी जल्दी हो जाता है और यहाँ पर देख सकते हो तो इसका प्रॉम्प्ट वगैरह भी टाइप होकर आ गया। ओके, अब इधर नीचे स्क्रॉल करना है। आप लोग इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो जो भी रखना चाहते हो उसको। फिर उसके बाद यहाँ से स्टाइल पर आप लोग सेलेक्ट करना है। उसके बाद फोटो रियलिस्टिक दिख रहा है इस पर एक बार टैप कर देना और ये दोनों आप लोग को फुल कर देना है। नीचे इन्हेंस दिख रहा है इस पर एक बार टैप कर देना है। टैप कर लेने के बाद यहाँ से हम लोग का जो फोटो है 8K में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग को बस थोड़ा सा वेट कर लेना है जितना कि ये फोटो हम लोग का इन्हेंस करके दे देता है। ओके, हम लोग का जो फोटो यहाँ पर इन्हेंस हो चुका है आप लोग को यहाँ से कंपेयर करके बता देता हूँ। देख सकते हो ये वाला हम लोग का बिफोर का फोटो है और ये वाला आफ्टर का, बट यहाँ पर उतना फर्क नहीं नज़र आ रहा है। तो हम लोग को ये वाला जो फोटो है उसको फिर से यहाँ पर इन्हेंस करना है जिससे हम लोग का जो फोटो है यहाँ पर और अच्छे से इन्हेंस हो जाए और जैसा इंस्टाग्राम पर ट्रेंड चल रहा है सेम उसी टाइप का हम लोग का जो फोटो है वो हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर नीचे प्लस का जो आइकॉन दिख रहा है इस पर फिर से एक बार टैप करो। अब पहले इसको डाउनलोड कर लो, डाउनलोड कर लेते हैं पहले इसको। ओके, हम लोग का फाइल डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ से प्लस पर टैप करेंगे। अब इसी फोटो को हम लोग को यहाँ पर फिर से इम्पोर्ट करना है और प्रोसेस तो आप लोग को पता ही है, इधर हम लोगों ने उसी फोटो पर किया सेम यहाँ भी करेंगे। तो इधर नीचे स्क्रॉल करके इसको एडिट से या फिर जितना भी आप लोग करना चाहते हो उतना कर सकते हो। और यहाँ से फोटो रियलिस्टिक ही सेलेक्ट रख लेना, दोनों को फुल करके यहाँ पर इमेज पर टैप कर देना। फिर यहाँ से फिर से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया है, बस थोड़ा सा वेट कर लो। फिर ये वाला जो फोटो है हम लोग का जो ट्रेंड चल रहा है इंस्टाग्राम पर सेम उसी टाइप का हो जाएगा। तो हम लोग को बस थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक कि ये फोटो हम लोग का इन्हेंस हो जाता है। ओके, हम लोग का जो फोटो है यहाँ पर इन्हेंस हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है और देख सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त हम लोग का फोटो लग रहा है। और यहाँ पर फिर से कंपेयर करके हम लोग देख लेते हैं, ये रहा बिफोर का फोटो हम लोग का और ये रहा आफ्टर का। और इस टाइप का फोटो अभी इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और देखने में देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है। और इसकी क्वालिटी आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर पानी है और यहाँ पर पत्थर है, दोनों एक साथ ही मिल गया है क्योंकि ये वाला जो फोटो है उसका वाटर और यहाँ पर जो पत्थर था उसका कलर थोड़ा सा सेम था, सिमिलर था, तो यहाँ पर मिल गया। बट देखने में उतना बेकार नहीं लग रहा है। अब ये वाली फ़ोटो है उसको भी हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से डाउनलोड पर टैप करेंगे, डाउनलोड अगेन का ऑप्शन आएगा क्योंकि हम लोगों ने ये वाला जो फ़ोटो है उसको पहले भी डाउनलोड किया है, यहाँ से इसके जस्ट पहले डाउनलोड किए थे इसलिए ये वाला ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से डाउनलोड अगेन करेंगे हम लोग का फ़ोटो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से ओपन कर लेते हैं और देख सकते हो इसकी क्वालिटी वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त है और इसका एक कलर भी देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस टाइप का जो फोटो है अभी बहुत वायरल हो रहा है, तो आप लोग भी ये वाला जो फ़ोटो है उसको ज़रूर से एडिट करो।
और आई होप आप लोग को ये वाला जो एडिटिंग है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। और अभी भी कोई डाउट जा रहा है आप लोग को तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आप लोग को वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।